हेलो फ्रेंड्स, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों का भेद किस प्रकार से किया जा सकता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें जो मुख्य है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों के ऊपर विचार करें तो शब्दों को मुख्य रूप से सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कई बार हम शब्दों के साथ कुछ अन्य शब्दों को भी जोड़ते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कि पानी वानी, ठंडा वंडा। तो यहाँ वानी या वंडा जो वर्ड हैं ये क्या है, निरर्थक शब्द हैं और व्याकरण में इनका कोई उपयोग नहीं होता। तो जनरली अर्थ के आधार पर सार्थक या निरर्थक शब्द होते हैं। इसके अलावा अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द तथा अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। तो एकार्थी शब्द, ऐसे नाम से पता चल रहा है, एक प्लस अर्थी, ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द बोला जाता है। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से पुरुषवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तो ये जो नाम है पुरुषवाचक संज्ञा का जितने भी उदाहरण आएंगे वो सभी एकार्थी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक अर्थ, ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे शब्द मीनिंग हो सकते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि अगर मैं हार की बात करूं तो हार जो शब्द है इसका जरूरी नहीं कि एक ही अर्थ हो, हार का मतलब पराजय भी होता है तथा हार से अभिप्राय माला भी होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बाल की बात करूं तो बाल से अभिप्राय शरीर पर पाए जाने वाले बाल भी होता है तथा बाल से अभिप्राय बालक के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता, एक से अधिक मीनिंग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर भाग शब्द में लेती हूँ तो हम कहते हैं कई बार हिस्सा लेना, भाग लेना, या फिर कभी भाग जाना में भी भाग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हम कई सारे शब्द देखेंगे जिसमें कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण इसमें लेती हूँ। जैसा कि हमने हार का देखा, भाग का हो जाएगा भाग जाना, या फिर भाग लेना, वहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है। इसी के अलावा अगर इसका दूसरा उदाहरण लें, जैसे धूप, तो सूर्य की धूप भी होता है और मंदिर में उपयोग में ली जाने वाली धूप, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। अगर मैं और उदाहरण लूँ, जैसे अंक, अंक का अर्थ होता है निशान, गिनती की संख्या में भी अंक का उपयोग होता है, गिनती की संख्या तथा गोद, इन सभी शब्दों में अंक का उपयोग किया जा सकता है। तो एक ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ, इसी प्रकार दूसरा अगर मैं उदाहरण लूँ काल, तो काल का अभिप्राय समय भी होता है, काल से अभिप्राय मृत्यु भी होता है, काल से अभिप्राय यमराज भी होता है। तो ये एक अन्य उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार अंबर, अंबर शब्द आकाश से भी संबंधित है, अंबर शब्द का अभिप्राय वस्त्र से भी संबंधित है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग ना होकर बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मधु शब्द, मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का मतलब मीठा भी होता है, शराब भी होता है। तो अगली कक्षा में जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ आपको बताऊँगी। इसके अलावा अर्थ के आधार पर एकार्थी अनेकार्थी तो होते ही हैं शब्द, विलोम शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं, विलोम शब्द तथा पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई विपरीत अर्थ भी निकल सकता है, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द में उनको सम्मिलित किया गया है। विलोम शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंधेरा का उजाला होगा, और मतलब जिसमें जिसका विपरीत शब्द भी निकल सकता है, विलोम शब्द कहते हैं उन्हें। और
पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं कि ऐसे जरूरी नहीं कि हर भाषा में किसी भी चीज़ के लिए एक ही उसका नाम हो, उसको अलग अलग रूप में भी उसको बुलाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं अभी मैंने देखा कि वस्त्र जो है उसके लिए अंबर का उपयोग भी हो सकता है, कपड़े का उपयोग भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो कि उसी वस्तु के लिए एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, समानार्थी अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उन्हें वापस दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण पर्यायवाची शब्द तथा अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पूर्ण पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिसका अर्थ सिर्फ उसी से संबंधित होगा, किसी भी कीमत में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कि मनुष्य की जगह हम मानव लिख सकते हैं, अग्नि की जगह हम आग लिख सकते हैं, यानी अग्नि आग 100% उसमें उसका जो सिनोनिम है वो पर्यायवाची है, वो सेम रहता है। लेकिन अपूर्ण पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उनके अर्थ में। जैसे कि अगर हम वायु और पवन इन दो शब्दों की बात करते हैं तो नॉर्मल चलने वाली जो हवा है उसको हवा कहा जाता है तथा तेज चलने वाली हवा को पवन कहा जाता है। तो ऐसा शब्द जो होते हैं वो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द के बहुत सारे उदाहरण हैं, और विलोम शब्द में आपको ये याद रखना है कि तत्सम शब्दों का विलोम भी तत्सम से संबंधित होगा, तद्भव शब्द हैं तो उनका विलोम तद्भव होगा, तथा आगत शब्द जो हैं विदेशी शब्द जो हैं उनका विलोम भी विदेशी शब्द से ही संबंधित होगा। विलोम और पर्यायवाची शब्द, ये सभी जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर बनाए गए शब्द हैं, और हम अगली कक्षा में इनकी डिटेल में व्याख्या करेंगे कि विलोम शब्द बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इन पर खूब बनते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो विलोम शब्द तथा पर्यायवाची शब्द, इनकी जो नेक्स्ट कड़ी है हम अगली सुविधा चैनल पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।